ये मेरे पे जितने भी स्पीकर रखे पड़े हैं, आज आपको इसका मैं साउंड टेस्ट कराऊंगा और इसका प्राइस भी बताऊंगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाऊंगा। तो आप ये जो देख रहे हो ये पहला पार्ट है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आएगा वो दूसरा पार्ट होगा। ठीक है गाइस, ये पूरा सेट है, ये जितने भी स्पीकर हैं, ये पहला पार्ट है। तो हेलो गाइस, मेरी इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो कई सारे बंदे मुझे कमेंट कर रहे हैं कि आप स्पीकर के वीडियो लेके आओ। तो आज आपको मैं स्पीकर के, मेरे पे जितने भी स्पीकर पड़े हैं, आज आपको सबको मैं चेक कराऊंगा और उसका प्राइस भी बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए, और शेयर भी जरूर करें। तो शुरू करते हैं छोटे वाले स्पीकर से, जो मेरे पे कई सारे आ रखे हैं। तो ये चालू करते हैं छोटे वाले। मेरे पे सिंगल सिंगल स्पीकर पड़े हैं, ये आप ये देख सकते हो, ये सैमसंग के स्पीकर हैं। बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं कि मुझे सिंगल स्पीकर ही चाहिए, तो उनके लिए ये हो गया, ये अकाई का स्पीकर है। आप इसे होम थिएटर में भी लगा सकते हो, होम थिएटर के मतलब का ये आपको मिल जाएगा। ये जोड़ा है इसका, ये आपको मिल जाएगा। तो मेरे पे ये सिंगल ये पड़ा सोने का, ये सिंगल स्पीकर ही पड़ा हुआ बस खाली है मेरे पास। ये सिंगल पड़ा हुआ है, तो इसके प्राइस में बता देता हूँ आपको, ये 300-300 रुपये का पर पीस मिल जाएगा। ये आपको जोड़ा 500-500 रुपये का आपको ये मिल जाएगा। बाकी आपको 100-200 रुपये का, 200 रुपये का आपको ये मिल जाएगा, 200-200 रुपये का ये। ठीक है, आपको सिंगल सिंगल चाहिए 300-500 रुपये, ये आपको 100-200 रुपये का आपको मिल जाएगा पर पीस। ठीक है गाई, अब आपको मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ। तो गाई नेक्स्ट है, ये फिलिप्स के स्पीकर है, ये होम थिएटर के स्पीकर है। ये 4.1-5.1 स्पीकर होते हैं होम थिएटर, ये उनके स्पीकर है। ठीक है, इनकी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं, इनकी ऐसी कंडीशन है। ये फिलिप्स का ओरिजिनल स्पीकर है, ये इसकी कंडीशन है। अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये 1000 रुपये के 4 पीस मिल जाएंगे। ठीक है, ये आपको 1000 रुपये के 4 पीस मिलेंगे। नेक्स्ट है, ये सैमसंग के स्पीकर है, सराउंड वाले स्पीकर हैं। इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं पीछे से, ये इसके पीछे की कंडीशन है। ये सैमसंग के ओरिजिनल स्पीकर हैं, ये आपको मिल जाएगा 1000 रुपये के 3 पीस मिल जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन आपको मैंने दिखा दिए। आप इसे होम थिएटर में भी लगा सकते हो, जिसमें म्यूजिक सिस्टम में भी लगा सकते हो, डीवीडी वाले म्यूजिक सिस्टम में भी लगा सकते हो इसे। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। तो गाइस नेक्स्ट है, ये पता नहीं कौन सी कंपनी है, ये भी स्पीकर पड़े मेरे पास। इसके पीछे की कंडीशन दिखा देता हूँ, इसके पीछे की कंडीशन है। आप इसे होम थिएटर में भी लगा सकते हो, आप इसे किसी चीज़ में भी लगा सकते हो। ठीक है, इसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो रखी है। ये आपको ये 4 स्पीकर है, ये एक स्पीकर ये रहा, एक स्पीकर ये रहा, ये चारों जॉइंट हो रखा है। ये ऊपर से खुल भी जाता है, ऐसे हो जाता है, फ्लिप हो जाता है, ये ऐसे है जॉइंट है। ये आपको मिल जाएगा 500 रुपये के, दोनों मिल जाएंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस नेक्स्ट है, ये सोने के सराउंड वाले स्पीकर हैं, इनकी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं। इसकी कंडीशन है, ये थोड़ा साफ हो जाए तो क्लीन हो जाएगा पूरा, तो वो साफ दिखेगा। फिर ये थोड़ा सा डस्ट वस्ट में है, जिसके पीछे की कंडीशन है। तो गाइस इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 2000 रुपये का, ये 4 स्पीकर आपको 2000 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट दिखा देता हूँ। नेक्स्ट है, ये सैमसंग के सराउंड वाले स्पीकर हैं, इनकी कंडीशन देख लीजिए। इनकी कंडीशन है, ये इनकी कंडीशन है। ठीक है गाइस, तो गाइस इसके प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 2000 रुपये का। ठीक है गाइस, बाकी आपको मैंने नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाके आप मुझसे बात कर सकते हो। ठीक है, प्राइस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, नेक्स्ट क्या है। तो गाइस नेक्स्ट है, ये सोनी का मेरे पास सराउंड स्पीकर है, इसकी ब्रांडिंग देख लीजिए, सोनी का है। इसकी कंडीशन ये है,
जिसकी कंडीशन है। इसके मैं पीछे का मॉडल नंबर दिखा देता हूँ आपको मैं। इसका मॉडल नंबर है SR125G। इसका मॉडल नंबर है, ये 6 ओम का है। ये भी है, ये भी 6 ओम का है। ये लेफ्ट, ये लेफ्ट, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है गाइस। तो इसका मैं प्राइस की बात करूँ तो ये आपको मिल जाएगा 1500 रुपये का। ये दोनों आपको 1500 रुपये का मिल जाएगा। ये म्यूज़िक सिस्टम के ऊपर लगता है जो स्पीकर है वो, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट दिखा देता हूँ। अगर इसमें से आपको कोई सा भी स्पीकर पसंद आता हो तो आप मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको मेरे नंबर पे भेजना है, ठीक है गाइज। तो गाइज बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि हम आपसे ऑर्डर करेंगे, अगर हमारा माल हमारे पास नहीं पहुँचा तो उसकी गारंटी कौन लेगा। तो गाइज अगर आप मुझसे ऑर्डर करोगे आपका माल आपके पास ज़रूर पहुँचेगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बंदों को ऑर्डर पहुँचा चुका हूँ। तो आपको मैं वीडियो भी दिखाऊंगा, जिस जिस बंदे ने मुझे फीडबैक दिया वीडियो के तौर पर, उनकी आप वीडियो देख सकते हो। मैंने रुस्तम भाई से दिल्ली से जो है पार्सल मंगवाया था, फिलिप्स का जो है म्यूज़िक सिस्टम है, और मुझे जो अभी अभी जस्ट रिसीव हुआ है। इन्होंने कहा था कि 3 दिन में आ जाएगा, बट ये जो 3 दिन में ही 2 दिन में ही जो है आ गया है। तो इसको जो है खोलता हूँ, फिर जो है आपको दिखाते हैं। मैंने जो उस बॉक्स को खोल लिया, स्पीकर जो इसमें से निकले हैं ये देख सकते हैं, और पैकेजिंग जो इनकी बहुत बढ़िया जो है, बहुत सॉलिड थी। सो इनको जो है मैं निकाला, ये रहे स्पीकर्स, ये देख सकते हैं। कोई भी जो है इसमें जो डैमेज नहीं हुआ, वैसी कंडीशन में जैसे जो इन्होंने जो है वीडियो में दिखाया था। बैक साइड से भी जो है देख सकते हैं, स्पीकर्स जो है खोल लिए। अब जो है हम जो है एम्पलीफायर को खोलेंगे। इसमें जो है इसकी मेन यूनिट है, यूनिट का जो मैंने बॉक्स खोल लिया, और ये जो थर्माकोल है, और ये जो उल्टी साइड का जो मैंने खोल लिया। बट पैकेजिंग जो है वो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग की है इन्होंने। सो इसको जो है आपको बाहर निकाल के दिखाते हैं कि जो है मेन यूनिट भी जो है निकल गई है, एंड ये इसके स्पीकर्स। सो काफ़ी जो है बढ़िया पैकेजिंग है, कहीं से भी जो ये डैमेज नहीं है, ठीक है। और रुस्तम भाई जैसा कहते हैं, इन्होंने जो है वैसे ही जो है पैक वगैरह करके दिए, वही जो इसमें क्वालिटीज थी। ये मैंने सामान रुस्तम भाई के नाम से जो यूट्यूब पे चैनल है उनसे मंगवा है, और जो प्रोडक्ट आपको दिखाया जाएगा वही आपको मिलेगा। बिल्कुल जेन्युइन क्वालिटी है, ओरिजिनल प्रोडक्ट है, कोई फेक नहीं है। पैकिंग बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट आप बिल्कुल सेफली आपके घर तक आपको पहुँचाया जाएगा। इस तरीके का बॉक्स इन्होंने मेरे को डिलीवर कराया है। पैकिंग बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात है कम प्राइस में आपको सही और बढ़िया चीज़ मिल जाती है, और ओरिजिनल। आप भी मंगाना चाहते हो तो मंगा लो, जो भी आपको चीज़ प्रोडक्ट मंगाना हो इनसे, उसका मराज के नाम से जो इनका चैनल है, बहुत अच्छा काम है और प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। इनके पास कंडीशन जैसी होती है वो दिखा देते हैं, पुरानी है नई है जो भी है। ये पैकिंग थी, जेन्युइन काम है, जेन्युइन बंदा। तो गाइस नेक्स्ट है मेरे पे फिलिप्स के 4 स्पीकर रखे पड़े हैं। ये आपको 2 मिल जाएंगे, या आपको लेना तो 4 तो 4 भी मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो आपको अगर इसका सिस्टम चाहिए तो ये सिस्टम भी मेरे पे नीचे रखा हुआ है। ये सोनी फिलिप्स का है, ये फिलिप्स के स्पीकर हैं। और आपको 2 चाहिए तो आपको 2 मिल जाएंगे, और आपको 4 चाहिए तो 4 मिल जाएंगे। वो बढ़िया कंडीशन में आपको मैं इसका साउंड भी सुना दूंगा मैं थोड़ी देर में, ठीक है। पहले आपको इसकी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ। इसकी कंडीशन है, ये 6 ओम का है। इसके पीछे की कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है। कोई कोई से डब्बे में थोड़ा सा डैमेज हो रखा है, बाकी 2 सही है, और 2 में थोड़ा सा डैमेज हो रखा है, ठीक है। ये इसकी कंडीशन है, बाकी इसकी अभी आवाज़ आपको अभी इसके साउंड भी सुना दूंगा मैं, ठीक है। इसका मैं प्राइस की बात करूं, ये आपको जोड़ा का मिल जाएगा, 2000 रुपये का आपका जोड़ा मिल जाएगा, ठीक है। 2000 का जोड़ा मिल जाएगा। अगर आपको 4 चाहिए तो आपको 4 के लिए आपको मैं 500 रुपये कम कर दूंगा, आपको मिल जाएगा 4। 2 स्पीकर आपको मिलेंगे 2000 रुपये के। अगर आप 4 और लेंगे तो आपको 3500 रुपये का लगेगा। अगर आपको सिस्टम चाहिए, सिस्टम में एक में FM चल रहा है, एक में FM नहीं चल रहा है, आपको ये चाहिए तो ये भी मिल जाएगा। बाकी आपको मैं अभी साउंड सुना देता हूँ, मैं 2 स्पीकर के आपको साउंड सुना देता हूँ मैं, ठीक है। तो गाइस नेक्स्ट है पैनासोनिक के स्पीकर हैं। इसकी कंडीशन देख लीजिए आप पहले,
ये प्लास्टिक में हो रहा है, ये दोनों प्लास्टिक में है, ये बूफर है, ये स्पीकर है, ये दोनों स्पीकर है, ये दोनों बूफर है, ये टूटर है। ठीक है भाई, तो हम इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ मैं। ये इसकी कंडीशन है, डिस्कनेक्टेड। ये 4 ओम का है, 120 वाट में है। ये भी है, कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है इसकी, बस थोड़ा सा ये थोड़ा सा डैमेज है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको मैं अभी आपको इसका साउंड भी सुना के दिखाऊंगा मैं। तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत मैं बता दूँ, ये है ना थोड़ा ये दबा पड़ा, ये रखे रखे ये उंगली लग के दब गया अंदर की तरफ, बाकी ये थोड़ा सा है, बाकी ये तो निकल हो जाएगा, सेट हो जाएगा, बाकी और इसमें कोई दिक्कत नहीं। टूटर भी सही है इसका, ये भी सही है, बाकी ये बूफर है, ये भी सही है और ये भी सही है। मैं आपको साउंड भी सुनाऊंगा इसका मैं। ठीक है इसका साउंड सुनिए आप। का स्पीकर है, जैसा मैं आपको पैनासोनिक का दिखाया था वैसे वैसे ही है भी। इसके ऊपर स्पीकर है, ये दोनों में स्पीकर स्पीकर है और नीचे बूफर है। ठीक है, तो इसकी मैं कंडीशन दिखा देता हूँ मैं। ये देखो कहीं से खुला हुआ नहीं है, ये कहीं से भी खुला हुआ नहीं है, ये पूरा बॉक्स पूरा सील पैक है। इसमें यह है कि इसमें बूफर के अलग तार लगते हैं और स्पीकर के अलग तार लगते हैं। ठीक है, मेरे पे म्यूजिक सिस्टम है 2.1 है और ये भी ये 2.1 है, एक ही स्पीकर में 2.1 है। तो इसके वो देख लीजिए, एक 40 वाट का स्पीकर है मेन वाला और सब बूफर इसका 60 वाट का है। ठीक है, और मेन स्पीकर इसका 6 ओम का है और 3 ओम का इसका बूफर है, इसका वो है। तो आपको मैं एक एक करके ही चेक कराऊंगा इसे मैं। तो इसका मैं प्राइस बता देता हूँ मैं, तो उसका प्राइस होगा, न्यू प्राइस होगा इसका 3,000 रुपये। इसको मैं साउंड सुना के दिखा दूंगा आपको, बहुत बढ़िया बज रहा है और अच्छी कंडीशन में है। गाइस इसमें 2 पॉइंट है, तो मैंने एक ही पॉइंट में लगा दिया, मैंने दोनों एक ही स्पीकर के ये मैंने दोनों लगा दिए। फिलहाल एक एक स्पीकर चलाऊंगा मैं, ये भी ये चल रहा है, आप देख लीजिए ये वाला मॉडल चल रहा है, इसके बाद मैं ऊपर वाला चलाऊंगा। ठीक है, आपको पहले मैं नीचे वाले दिखा देता हूँ। अब मैं ऊपर वाला स्पीकर चलाने वाला हूँ ना, ऊपर वाला चल रहा है। तो गाइस नेक्स्ट है ये सोनी का स्पीकर है, उसकी कंडीशन देख लीजिए आप पहले। ये इसकी कंडीशन है, इसके ऊपर ये एक ही ट्यूटर यहाँ पे लगा पड़ा है, एक ट्यूटर इधर एक ट्यूटर इधर, इसमें तीन तीन चार चार ट्यूटर लगे पड़े हैं, एक इस साइड लगा पड़ा है, एक इस साइड है, एक हीरा एक हीरा इस साइड में भी सेम ही है। तो मैं आपको इसकी दिक्कत बता दूँ, इसमें दिक्कत क्या है, ये जो पर्दा दिख रहा है आपको ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये दूसरा वाला ये फटा पड़ा है, बस एक ही स्पीकर में दिक्कत है, थोड़ा जुड़ा पड़ा है। अगर आपको ऐसी कंडीशन में चाहिए, अगर आपको ऐसे चलाना है तो चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो थोड़ा सा फटी फटी सी आवाज़ आ रही है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चेंज कराना चाहते हो तो चेंज करा लेना। ठीक है, आपको मैं इसका साउंड भी सुना दूंगा, साउंड कैसा है इसका। तो इसकी मैं पीछे की कंडीशन दिखा दूँ मैं, ये इसके पीछे की कंडीशन है।
बहुत ही मोटी बॉडी है इसकी, कम से कम 1 इंच की बॉडी है इसकी। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए आप, 6 ओम का है ये, SSVX8G इसका मॉडल नंबर है। कंडीशन बिल्कुल बढ़िया है, बस स्पीकर में दिक्कत है इसका। तो मैं इसकी प्राइस में बता दूँ, अगर स्पीकर फटा हुआ है तो उसका प्राइस तभी कम हुआ है, तो उसका प्राइस आपको मिल जाएगा, इसी कंडीशन में आपको लेना होगा तो आपको ये मिल जाएगा 2500 रुपये का, ठीक है। एक ही स्पीकर में दिक्कत है, बाकी इसमें तो मुझे कहीं से लग नहीं रहा है, कहीं से कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है कहीं से भी। बाकी आपको स्पीकर ये चेंज कराना पड़ेगा, अगर आप चेंज नहीं करा तो तब भी सही चलेगा। बाकी टूटर में थोड़ा सा ये फॉल्ट हो रहा है, ये भी थोड़ा सा फॉल्ट है, बाकी अंदर का टूटर वूटर सब सही है, ठीक है। आपको इसका मैं साउंड सुना देता हूँ, आप साउंड सुनिए। इसके साउंड सुनिए, इसमें इतनी ज़्यादा खास आवाज़ नहीं है। ट्विटर की आवाज़ आ रही है, जानकारी की आवाज़ ज़्यादा आ रही है इसमें, ठीक है। इसके लिए इसके बारे में प्राइस भी कम रखा है, ठीक है। बाकी इसमें जो फॉल्ट है उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। गाइज वीडियो लंबी होने के कारण इसका नेक्स्ट पार्ट मैं इसके अगले दिन अपलोड करूंगा, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Oh,